नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के अंदर लगातार जो है जो घटनाएं बढ़ रही है, आपने देखा कल भी एक जो औरत है उसकी जो चैन और छीन के भागे थे कुछ व्यक्ति, और आज भी ऐसी कुछ घटना सामने आई है। नरवाना का जो मॉडल टाउन है, तिरकोना पार्क है, यहाँ पर एक लड़की है जिसके साथ एक घटना घटी है। ये कुछ काम गई हुई थी, जब वापस आई तो इसके हाथ में से वीवो का एक फ़ोन खोज के लेके गया एक लड़का। से बात करते हैं पूरी, क्या कहते हैं, कैसे कैसे ये वारदात घटी, जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ रही है, चिंता का विषय है। और जो भाई इस वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके और सचेत हो सके, आगे किसी प्रकार की घटना ना हो। तो जो भी भाई इस वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के पास, और ऐसी ऐसी घटना से बचा जा सके। बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, कैसे घटना घटी, क्या काम जा रहे थे जी, पूरी बात बताओ आप। मैं पार्सल दे के वापिस आ रही थी, तो किस चीज़ का पार्सल था जी? सूट का पार्सल। हाँ, तो मेरे हाथ से फोन नहीं, पहले बात बताओ जी, मतलब ये कोरियर वाले का, कौन सी कंपनी का? के मीशो से। जैसे आपने कोई सामान मंगाया था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? फिर मैं देख के वापस आए थे, वो यही खड़ा था। आपने रिटर्न कर रहा था? हाँ, रिटर्न करके था। फिर आप वापस आए, कहाँ से आए थे आप? यहाँ यहीं से लेके गया बस, इस जगह। हाँ, फिर आप आ रहे थे तो कैसे फोन छीना जी आपसे? हाथ से छीन गया। आप चला रहे थे या सीधे जा रहे थे जी? सीधे पैदल ही आ रही थी और छीन के वो इधर से ही इस रास्ते चला गया। अच्छा, ये पता चला आपने, मतलब कितने व्यक्ति थे वो? हाँ? कितने व्यक्ति थे छीनने वाले? एक ही था। बाइक ले रहा था जी? ना जी, हुलिया वालिया नहीं, उसने मास्क डाल रखा। जब आप यहाँ से गए थे, जब आपको लगा भी यहाँ व्यक्ति वो पहले से खड़ा है यहाँ? हाँ, पहले से ही था, पहले दिखा था आपने भाई, पहले खड़ा था वो। अच्छा, वो आते हुए उसने ये वारदात को अंजाम दिया, ठीक है। हाँ जी अंकल जी, जिस प्रकार से ये घटना घटी है आपकी लड़की के साथ, क्या आपने इसके बारे में पुलिस प्रशासन को सूचना दी? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस तुरंत ही आ गई थी। तुरंत आ गई, और वो सब लड़की ने जैसे मेरे के बताया कि पापा जी मेरा फ़ोन छीन ले गया, और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुआ था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था। हाँ जी, और वो उसके बाद मैं आया हूँ, मैंने कंप्लेंट करी है 100 नंबर जींद पर, 100 नंबर पुलिस पर करे। पुलिस वाले ने तुरंत SHO को बताया है, SHO के सभी आदमी तुरंत मौके पहुंच गए, फुटेज निकलवाई गई है, उसमें साफ क्लियर आया हुआ है। जैसे CCTV फुटेज आपने देखा भाई? हाँ जी, इसने निकलवा लिया। हाँ जी, आपने देखा, मतलब कैसे? हाँ, क्या हमने देखा, उसको पहचान लिया। हाँ जी। अच्छा, मतलब पुलिस क्या कह रही है इसके बारे में? पुलिस ये कह रही है कि हम तुरंत जो है ना कार्रवाई करेंगे, और जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। अच्छा, ट्रेसिंग के लिए आपने बोल दिया? हाँ जी। अच्छा, और मैं जो है ना कंप्लेंट भी दिया थाने में। कितना टाइम बोला भाई, कितने दिन तक आपको? टाइम तो ये नहीं बोला जी, उन्होंने कहा बस जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे आपका जो भी है। हाँ, तो आपने देख लिया जिस प्रकार से जो घटना घटी है, एक वीवो का फ़ोन था, वीवो का V9 Pro, कोई पार्सल था, वो रिटर्न करना था, और रिटर्न करके वापस आ रही थी ये, तो अचानक एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था जो पहले ही दांत लगाए हुए था कि कोई ना कोई ऐसी वारदात को अंजाम दे, घटना के लिए वहाँ खड़ा था ये, तो ये आई और इसके हाथ से वो फ़ोन है वो छीन के चला गया। सरेआम इस प्रकार की जो डकैती चली हुई है, आपने देखा पिछली कुछ महीने भी आपने देखा भी डकैती हुई थी, 8,85,000 पकड़े गए थे, और दिन भर घटनाएँ बढ़ रही है। मैं वो भी भाई है, उनसे एक अनुरोध करूँगा, एक तो वीडियो शेयर करें, और पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अंकुश लगाने में कामयाब हो, क्योंकि इसमें तो हर आदमी और जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो सदमे में है, क्योंकि अगर कोई काम भी जा रही है तो भी उनके दिमाग में यही बात रहेगी, कहीं कुछ वारदात ना घटे। तो देखते रहिए एनजी न्यूज हरियाणा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।